आज मैं आपको लेके चलूंगा नेपाल के फेमस टेम्पल्स में, और वीडियो ख़त्म होते होते ये भी बताऊंगा कि नेपाल में ट्रैवल कैसे करना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वक्त मैं बुड्ढा नीलकंठ टेम्पल में जो कि है काठमांडू में, आपको ये टेम्पल दिखाता हूँ। ये टेम्पल हिंदुओं में बहुत फेमस है, यहाँ पर हिंदू लोग आते हैं तो यहाँ जरूर आते हैं। यहाँ पे विष्णु जी की लेटे हुए प्रतिमा है जो कि बहुत ही अच्छी है, आपको दिखाता हूँ। पर हमने पूरा टेंपल घूम लिया है, आपको भी घुमा दिया है। यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं अपना इस टेंपल का टूर। इंडियंस काफ़ी आते हैं यहाँ पर, आपको मिल जाएंगे। अगर आप नेपाल में हो तो यहाँ पे आना रिकमेंडेड है। इस वक्त तो मैं काठमांडू नेपाल के सबसे फेमस टेंपल यानी पशुपतिनाथ टेंपल में अंदर चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं कैसे अंदर से। इस वक्त मैं आ चुका हूँ पशुपतिनाथ टेम्पल के अंदर, आपको अगर लेके चलता हूँ अंदर दर्शन करवाता हूँ। तो अभी मैं वापस आ चुका हूँ पशुपतिनाथ टेम्पल के दर्शन करके। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन बाहर का प्रेमिसेस और सारा मैंने कवर किया, वो सब आप देख सकते हो। तो दर्शन काफ़ी अच्छे हुए हैं, और आज वेडनेसडे का डे था तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, बहुत जल्दी एक घंटे के अंदर पूरा हमने घूम लिया है, उससे भी कम टाइम में। सैटरडे में सुना है यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी रश होता है, तो अवॉइड कीजिए सैटरडेज को आना। आना एक बात और एडवाइजरी, यहाँ पर बंदर बहुत हैं, अपने फ़ोन कैमरा पर्स का ध्यान रखें। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा पशुपतिनाथ टेम्पल का टूर, मैंने आपको दो टेम्पल दिखा दिए हैं। अगर आपको काठमांडू में घूमना कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा गाड़ी में बैठकर। तो हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं वापसी अपनी गाड़ी में बैठ के। अब मैं आपको बात कर लेता हूँ ये ट्रैवल कैसे करना है। ट्रैवल करने के लिए यहाँ पर आपको अगर लोकल ट्रैवल करना हो तो यहाँ पर ऑटो या रिक्शे नहीं चलते हैं। रिक्शे आपको कहीं मिल जाएंगे थोड़ा बहुत लोकल एरियाज़ में, लेकिन ऑटोज़ और यहाँ पर नहीं है, तो टैक्सी में ही ट्रैवल करना पड़ता है। और टैक्सी बुक करने के लिए ऐसी कोई ऐप नहीं है, या ऊबर नहीं है, या ओला नहीं है, तो आप कोई भी आप टैक्सी अगर खाली देखते हैं तो आप उसे ले सकते हैं। और बात कर लेते हैं हमने कैसे घूमा, हमारे लिए हमें मिले ये, इनसे मिलवाना चाहूँगा, साथ में है राम भैया, ये जो अभी ड्राइव कर रहे हैं साथ में। तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छे हमें पूरा दो दिन घुमाया, कल भी लेके गए, आज भी गए। तो अगर आप इनके साथ घूमना चाहते हैं ये काफ़ी अच्छा डिस्काउंट कर देंगे अगर हमारा नाम लोगे, रिकमेंड करोगे हमारा। और भैया ये भी कह रहे हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो और आप ट्रैवल करना चाहें तो काठमांडू में आके कर सकते हैं, और जनरली अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसके लिए आप कोई भी टैक्सी हायर कर सकते हैं। गाड़ी में सर्विस ले सकते हैं।
यहाँ ख़त्म होता है हमारा नेपाल का ट्रिप, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, यहीं से हमारा अगला ट्रिप थाईलैंड का स्टार्ट भी हो रहा है, तो बने रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल रेसिपी रेक्लूज को सब्सक्राइब करें।